फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन आइडिया ये है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। असल में लोग कोई चीज इसलिए बाय नहीं करते कि आपने उसे क्या बनाया है, लोग इसलिए बाय करते हैं कि आपने इसे क्यों बनाया है। सिनेक इस बात की वजाहत करते हैं गोल्डन सर्कल से, जिसके तीन पार्ट्स हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। और इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हाई, यानी कि क्यों, क्यों आप किसी काम को कर रहे हैं और इस काम को करने का रीजन क्या है। सेकंड पार्ट है हाउ, यानी कि कैसे, कैसे आप उस काम को करोगे और कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे। और फाइनल है व्हाट, यानी कि क्या, क्या रिजल्ट है आपके क्यों का, यानी आपको क्या मिला। इसकी एग्जांपल मैं आपको 1903 के एक वाक्य से देता हूँ। इमेजिन करिए, दो लोग हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की जरा भी कमी नहीं है, और दूसरे के पास बहुत कम पैसे हैं, तकरीबन ना होने के बराबर, और एक उस फील्ड का एक्सपर्ट है और हाईली एजुकेटेड है, जबकि दूसरा अनएजुकेटेड है। एक के पास बेस्ट हाई लेवल माइंड की टीम है और दूसरे के पास बिल्कुल एवरेज लोग हैं। अब आप डिसाइड करो कि किसने अपने प्रोजेक्ट को अचीव किया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान ये है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन दोस्तों ये 1903 में हो चुका है और उनके नाम है सैमुअल लैंगले और राइट ब्रदर्स। सैमुअल को $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट से कि वो ये फिगर आउट कर सकें कि ये फ्लाइंग मशीन कैसे बन सकती है। जहां तक एजुकेशन की बात है, सैमुअल लैंगले असिस्टेंट रह चुके थे हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के और एविएशन के एक्सपर्ट थे। और जहां तक टीम की बात है, तो सैमुअल ने यूनाइटेड स्टेट के टॉप लेवल के बेस्ट एजुकेटेड लोगों को हायर किया था, और वो सारे के सारे एक साथ इस प्रोजेक्ट को अचीव करने की दमदार कोशिशों में थे। और हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सैमुअल लैंगले वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई थी, बल्कि वो थे राइट ब्रदर्स, वो दो भाई जिनके पास मामूली सी साइकिल रिपेयर करने वाली एक शॉप के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो ये सब कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा था, ना वो एजुकेटेड थे, और ना ही उनके पास एक अच्छी टीम थी। और जबकि इन्हीं तीन चीजों को हम जरूरी समझते हैं सक्सेस के लिए। दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करती है जो इन सबसे ऊपर है, और वो है व्हाई, यानी कि क्यों, क्यों हम किसी काम को करते हैं और इसकी रीजन क्या है। अब हम कंपेयर करते हैं सैमुअल और राइट ब्रदर्स के व्हाई को। ऑर्विल और विल्बर को यकीन था कि अगर उन्होंने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल देगी, क्योंकि सैमुअल लैंगले अमीर बनना चाहते थे और फेमस होना चाहते थे। और जैसे ही उनको पता चला कि राइट ब्रदर्स ने मशीन बना दी है, तो उन्होंने फौरन क्विट कर दिया, क्योंकि वो फेमस नहीं हो पाए और वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई थी। लेकिन अगर उनका वाई अलग होता, पर्पस अलग होता, तो वो फौरन क्विट ना करते, वो इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकते थे। एक और एग्जाम्पल, जब एप्पल ने पहली दफा आईपॉड और आईट्यून्स बनाया था, तो वो क्रिएटिव जेन कंपनी के एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव प्लेयर को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये प्रोडक्ट क्रिएटिव जेन ने ही सबसे पहले बनाई थी। तो एप्पल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बताया कि हम आपको 1000 सॉन्ग्स ऑफर कर रहे हैं जो कि हमेशा आपकी पॉकेट में रहेंगे। और दूसरी तरफ क्रिएटिव जेन वालों ने अपनी एड में सिर्फ इतना ही बताया कि ये एक 5GB MP3 प्लेयर है। क्रिएटिव ने लोगों को बताया कि ये प्रोडक्ट क्या है, जबकि एप्पल ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में हमें इस आईपॉड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें 1000 सॉन्ग्स होंगे जो कि हमेशा हमारी पॉकेट में रहेंगे। और देखते ही देखते आईपॉड्स और आईट्यून्स हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए, और इसी दौरान लार्ज मेजोरिटी लोगों ने कभी क्रिएटिव जेन के बारे में सुना ही नहीं था। तो ये स्टोरी हमें बताती है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। तो अगर हम किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे व्हाई पर, और हम कितनी जल्दी हार मान जाते हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे व्हाई पर। तो किसी भी गोल की तरफ बढ़ने से पहले हमें व्हाई को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक से बताई हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।